शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी, सोशल मीडिया पर हो रही है चर्चा, वेब सीरीज पर मिश्रित प्रतिक्रिया, जाली नोटों के नेटवर्क की है कहानी। काफी समय से शाहिद कपूर के ओटीटी डेब्यू फर्जी को लेकर सोशल मीडिया में काफी कुछ पढ़ा जा रहा है। द फैमिली मैन की अभूतपूर्व सफलता के बाद कृष्णा डीके और राज निधिमोरू निर्देशित फर्जी को लेकर काफी उम्मीदें थी। वजह थी स्वयं डीके और राज, साथ ही शाहिद कपूर और दक्षिण भारत के ख्यातनाम अभिनेता विजय सेतुपति। इन नामों को देखकर सोचा था फर्जी बेहतरीन सीरीज में शुमार होगी, जिसे दर्शक जब चाहे तब देखने का मन बनाएगा। कृष्णा डीके और राज निधिमोरू अपनी कहानियों में और ह्यूमर का भरपूर घोल दर्शकों को पिलाते रहे हैं, लेकिन फर्जी में इन दोनों चीजों की कमी है। साथ ही वे फर्जी को वो गति प्रदान नहीं कर पाए जिसकी उसे आवश्यकता थी। 8 एपिसोड की सीरीज का कथानक जाली नोटों के फैले साम्राज्य और पसरे नेटवर्क और उसमें खत्म करने वाले फर्ज पर है। फिल्म की कहानी जहां सुस्त है, वहीं इसका संपादन भी लचर है। कहानी में शाहिद कपूर, उसके नाना जी अमोल पालेकर, दोस्त भुवन अरोड़ा और दूसरी तरफ जांच अधिकारी विजय सेतुपति उसकी टीम से और जाली नोटों के सरगना मंसूर दलाल की दो समानांतर अलग दुनिया से शुरू होती है। निर्देशक के तौर पर राज और डीके पूरी तरह से निराश करते हैं। 8 एपिसोड की इस सीरीज में चंद एपिसोड के बाद केवल खाना पूर्ति करने वाली कहानी मिलती है। कहानी लंबी नहीं है, इसे वेब सीरीज के चक्कर में रबड़ की तरह खींचा गया है। खास खबर.com के लिए राजेश भक्तानी, जयपुर।